मंत्री दुमका लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी राज परिवार के आवास पर एकात्म मानववाद के प्रणेता व जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उन्होंने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज के दिन कोई धन से, कोई तन से और कोई संकल्प से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम सबों को संकल्प लेना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हम सभी एकजुट होकर अपने क्षेत्र में जो भी कमल फूल का चुनाव चिन्ह लेकर आए उनके लिए तन मन धन से कार्य कर बहुमत से जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करना है। मौके पर महिला समिति की दर्जनों सदस्य और भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं जो बरसों से लगातार पार्टी की रीति नीति संगठन इन बारीकियों को देखते हुए, इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके में संगठन को गढ़ने का काम यहाँ बैठे हुए प्रमुख कार्यकर्ताओं ने किया। आज एकात्म मानववाद की प्रेरणा, अंत्योदय का मूल मंत्र जिन्होंने भारत में देने का काम किया, भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक, भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हम लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा है। आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक यदि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है तो उसके अंदर जो सिद्धांत है, जो संगठन गढ़ने का मूल मंत्र है, जो रीति नीति है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ही दिया हुआ। ये अलग विषय है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद जब ये पहले कालीकट के अधिवेशन में केरला में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे और उनका जो भाषण उस दिन वहां पे हुआ था कालीकट के उस अधिवेशन में, कालीकट के उस अधिवेशन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भाषण से हिंदुस्तान में बैठे हुकूमत में जितने भी लोग थे सबका सिंहासन डोलने लगा था। भारत की बात तो छोड़ दीजिए, दुनिया के प्रमुख अखबारों ने इस बात को प्राथमिकता के साथ छापने का काम किया था कि मुगलों के आक्रमण के बाद, क्षमा करेंगे, दुनिया के अखबारों ने इस बात को छापने का काम किया था जब भारत में सनातन संस्कृति विलुप्ति की कगार पर खड़ा हो गया था, सनातन का लगभग, सनातन धर्म का लगभग दीपक बुझने वाला था। उस वक्त उसी केरल की धरती में पैदा हुआ एक बालक सन्यासी बनकर जब भारत के कोने कोने में निकला और सनातन संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया था आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, उसी प्रकार दुनिया के अखबारों ने उस दिन लिखा कि एक समय था कि केरल में पैदा हुआ एक इंसान भारत में सनातन संस्कृति को जगाने का काम किया और आज समय का तकाजा है, समय का परिणाम है, समय परिवर्तनशील है, उत्तर भारत में पैदा हुआ एक नौजवान दक्षिण भारत में आकर नए भारत का शंखनाद कर रहा है। ये दुनिया के अखबारों ने लिखने का काम किया। उस समय लोगों को लगा था कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय किन विषयों को लेकर आए,
एकात्म मानववाद अंत्योदय ऐसे विषय लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हिंदुस्तान के हुकूमत में बैठे हुए लोगों को लगा कि यह व्यक्ति यदि जीवित रह जाएगा और इसी प्रकार भारत के कोने कोने में घूमकर जनसंघ का दिया जलाने का काम करेगा तो वह दिन दूर नहीं कि हमारी सत्ता बेदखल हो जाएगी। इसी का दुष्परिणाम ये रहा कि दिल्ली से पटना जनसंघ की बैठक के लिए निकले, दुर्भाग्यवश पटना नहीं पहुंच पाए। मुगल सराय में रेल के पटरी पर इनका शव बरामद हुआ। शव एक गठरी में बांधकर ऐसे लावारिस शव के रूप में फेंक दिया था। जब लोगों ने आके देखा कि उस गठरी में किसका शव है तब लोग देख के अचंभित रह गए, अरे ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, और उनकी हत्या कर दी गई थी। जिस रेल के डब्बे से वो आ रहे थे उस रेल के डब्बे में उनके कोच में उनकी हत्या करके उनका शव रेलवे के लाइन पर फेंक दिया गया था। दीनदयाल जी तो मर गए, मारने वाले ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को तो मार दिया, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का अंत नहीं हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वह विचार जो आज भी जीवित है, और मैं अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यदि कोई एक विचार आज भारत में चल रहा है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही विचार। चाहे देश के प्रधानमंत्री, कवि, हृदय सम्राट, भारत रत्न, युग पुरुष, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हुए, इनके ही विचारों को लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया, या जननायक दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो पंडित दीनदयाल जी के ही विचारों को लेकर वो आगे। अंत्योदय समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति का विकास, यह इनका मूल मंत्र था। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह सरकार सिर्फ और सिर्फ यही काम कर रही है। सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण, हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इन्हीं मधुपुर की गलियों में और देवघर की गलियों में जब नारा लगाया करते थे कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो सच पूछिए लगता था सौगंध तो राम का खा लिए, पर वह दिन कभी हमारे जीवित रहते हुए आने वाला है क्या कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी होगा। लेकिन देखिए परिस्थिति, कालचक्र कैसे घूमता है। हमारे ऐसे लाखों करोड़ों नौजवानों ने उन दिनों जो सौगंध खाया था कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, उस सौगंध को यदि 100% किन्हीं ने मूर्त रूप देने का काम किया है और अयोध्या में भव्य राम लला का मूर्ति मंदिर बनाने का काम किया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले जानने वाले गरीबों के मसीहा नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे संकल्प को पूरा कर दिया। जय श्री राम। जब इन्हीं मधुपुर की गलियों और देवघर की गलियों में हम लोग नारा लगाते थे कि जहां हुए हैं बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, भारतीय जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में बलिदान हो गए। उन दिनों कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं था। कश्मीर जाने के लिए हमको पासपोर्ट लेना पड़ता था, जैसे हम दुनिया के दूसरे मुल्क में जाते हैं पासपोर्ट के सहारे, उसी प्रकार भारत के अंदर एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था कश्मीर, श्रीनगर कश्मीर के अंदर था। और भारत का शेष नागरिक यदि कश्मीर जाना चाहे, श्रीनगर जाना चाहे, जम्मू जाना चाहे तो उसको पासपोर्ट लाना पड़ता था। यानी उन दिनों इस देश के अंदर दो तिरंगा, दो भारत का ध्वज फहरता था। शेष भारत में तिरंगा फहरता था और कश्मीर में अलग ध्वज फहरता था।
उन दिनों देश के अंदर दो कानून हुआ करते थे, हुआ करता था। भारत के अंदर एक अलग कानून चलता था, कश्मीर के अलग, कश्मीर में एक अलग कानून चलता था। तो हमारे ऐसे नौजवानों ने जब यह नारा लगाया कि एक देश में एक दो निशान, दो विधान और दो प्रधान, प्रधानमंत्री भी अलग हुआ करते थे, भारत का एक प्रधानमंत्री और कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री, उस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया है जहां हुए थे बलिदान मुखर्जी, उस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग किसी ने बनाने का काम किया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परम शिष्य, गरीबों के मसीहा नरेंद्र भाई मोदी ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। कहने के लिए तो हम लोग कहते थे कि अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन भारत एक था नहीं, भारत एक था नहीं। एक देश में दो प्रकार की व्यवस्था, उस व्यवस्था को समाप्त करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मेरे मित्रों, कहने और सुनने के लिए तो बहुत विषय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में सिर्फ एक विषय, सिर्फ एक सूत्र, यदि एकात्म मानववाद पर बोलना प्रारंभ करे तो भारत के अंदर ऐसा कोई वक्ता नहीं है कि संपूर्ण एकात्म मानववाद पर बोल सके, उसको कई दिन तक बोलना पड़ेगा। एक दुमका के एक शिविर में, बहुत पहले प्रशिक्षण शिविर में हम गए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को प्रशिक्षण शिविर में यह बताएगा कि आपको एकात्म मानववाद पर बोलना। अब नेताजी एकात्म मानववाद पर बोलने के लिए इतनी मोटी मोटी 5-7 पुस्तकें लेके आया, और सच बोलता हूं दिन भर बीत गया, नेताजी का एकात्म मानववाद समाप्त हुआ। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का हर पन्ना भारत के उत्थान के लिए लिखा गया है, भारत के विकास के लिए लिखा गया है, सनातन के कल्याण के लिखा गया है। उसको तुरंत पढ़ना, तुरंत समझना, तुरंत बोलना संभव नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सामने लोकसभा का चुनाव, अब की बार 400 पार, जब रामशिला का पूजन हो रहा था, मैं पुरानी बातों को याद कराना चाहता हूं। राम भोक्ता जी को, विनोदा को, पुराने जितने लोग हैं उनको याद होगा, उन दिनों चला था रामशिला पूजन, गांव गांव में, टोला टोला में, मोहल्ला मोहल्ला में, 125 दे दे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का, और रामशिला का पूजन होता था। हम लोग उस पूजा शिला पूजन में काफी सक्रिय थे। मैं सच बताता हूँ, बहुत खर्चा करने के बाद, बहुत समय देने के बाद, बहुत कम लोग आते थे, और आज हालात देखिए, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया 22 तारीख को और 21 तारीख को, 21 और 22 तारीख जनवरी को याद कीजिए, नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से आह्वान किया था कि जब 14 वर्ष वनवास काट के रामलला, जब राम जी आए थे अयोध्या, तो जिस प्रकार का दीपावली मना था हम लोग नहीं देखे थे, आज फिर से राम अयोध्या आ रहे हैं, पूरे देश में दीपावली होना चाहिए। जनता ने, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर आस्था प्रकट करते हुए एक पैसा किसी नेता ने सहयोग नहीं किया, एक पैसा कोई सामाजिक कार्यकर्ता ने सहयोग नहीं किया, लेकिन देश की जनता ने 21 तारीख की रात को हर घर में, हर मंदिर में दीपावली मनाने का काम किया था। ये हमारे राम है और ये हमारे नरेंद्र मोदी। मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ कि पैसे खर्चे करने के बाद लोग इकट्ठा नहीं होते थे, ऐसा कोई भारत का गाँव नहीं होगा, ऐसा कोई भारत का गली नहीं होगा, ऐसा कोई भारत का छोटा या बड़ा मंदिर नहीं होगा जब 22 तारीख को लोगों ने अपना धन स्वतः इकट्ठा करके बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया हो, प्रसाद नहीं बांटे हो, फटाके नहीं छोड़े हो। ये है हमारे राम, ये है हमारे राम। और इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने जो देश की जनता से जब आह्वान किया, तो देश की जनता ने अपने नेता पर विश्वास प्रकट कर, विश्वास जताते हुए दिलेरी से काम करने का काम किया है। आज फिर से भारत कैसे अक्षुण रहे, भारत कैसे सुरक्षित रहे,
सनातन संस्कृति का परचम देश और दुनिया के बाहर कैसे लहराते रहे। मैं बराबर इस बात का जिक्र करता हूँ। और राम मनोहर लोहिया भारत के बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे। उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भारत की पहचान राम, शिव और कृष्ण से। राम शिव और कृष्ण के बगैर भारत का पहचान अधूरा है। इसलिए दोस्तों, जिस पर आपने आस्था प्रकट किया है, उन्होंने राम को तो ले आया, फिर से आस्था प्रकट करना है ताकि आने वाले दिनों में शिव भी आ जाए और कृष्ण भी आ जाए। इसलिए अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। महीना दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाला है और हमारे देश के यशस्वी नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा नरेंद्र भाई मोदी ने देश की जनता से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि अब की बार 400 तो उस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना होगा। मेरे मित्रों, इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का कार्यकर्ता 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख गांव के प्रवास पर था। गांव के प्रवास पर हम लोग इसलिए थे कि गांव के लोगों को बताना कि इस देश को संकट काल से किसने उबारने का काम किया है, तो नरेंद्र भाई मोदी ने उबारने का काम किया है। देखे होंगे जिस प्रकार से वैश्विक महामारी कोरोना आया, दुनिया के बड़े बड़े अर्थ संपन्न देश डगमगाने लगा था, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने भारत को डगमगाने नहीं दिया। संकट के दौर से भारत को निकालने का काम किया था। और आने वाले दिनों में, अभी हम पांचवी अर्थव्यवस्था है, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाली है। मेरे मित्रों, इन विषयों को लेकर, जिन विषयों को मैंने आपके बीच में रखा, उन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभी 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख को गांव-गांव जाकर जनता को यह बात बताने का काम किया है। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्य दिवस के अवसर पर हम समर्पण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। समर्पण के प्रकार कुछ भी हो सकते हैं। जो संपन्न व्यक्ति हैं वो धन दे के समर्पण करते हैं, तन का समर्पण हो, मन का समर्पण हो, भाव का समर्पण हो, क्रोध का समर्पण हो, आलस्य का समर्पण हो और विचार का समर्पण। विचार हमारा क्या है? आज समर्पण दिवस के उपलक्ष्य पर हम क्या समर्पण करें? तो हम ये समर्पण करें कि आने वाले दिनों में, जब मई जून के महीने में जब लोकसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी किसको प्रत्याशी बनाता है यह विषय हमारा नहीं है, यह केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता सिमोल लेके, कमल निशान लेकर इस इलाके में आ जाएगा, उसको पूरे मनोयोग के साथ जिता के पार्लियामेंट भेजना और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना, ये आज के समर्पण दिवस पर हम ये आज संकल्प ले लें। मुझे लगता है कि आपका संकल्प आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ, भारत माता की जय। भारत माता की जय।